हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता। आज का डिनर में हमने ब्रेड और एग पोच खाने का बेटे ने फरमाइश किया, तो वो हमने बना लिया। और मेरा घर देखिए कितना बिखरा पड़ा है। और अब हम डिनर करने वाले हैं। अभी तो ठंडी हवा खा रहे हैं, पर कुछ देर बाद कुछ ऐसा होने वाला है कि संभलेंगे। दोस्तों अभी बज रहे हैं, देखिए आपको फ्रंट कैमरा से उल्टा दिखाई देता है, इसीलिए मैं इस तरफ से कर रही हूँ। देखिए सुबह के 5:30 बज रहे हैं। कल रात को बस डिनर ऐसे ख़त्म किया और बिजली चली गई। कल रात के 12:30 से लेकर सुबह 5:30 बज के अभी तक बिजली नहीं है। मतलब रात भर से ऐसे ही हम बैठे रहे मोबाइल पकड़ के, बस हैंड फैन पंखा ऐसा घुमाते घुमाते हाथ दर्द हो गए, पर बिजली आया ही नहीं, वेट करते ही रह गए। और वो तो रात को निकल के गए भी थे, किसी अगर नाइट में वहाँ ऑफिस होता है वहाँ पे कोई साइड होगा तो बताएं, कि तभी भी गए तो वहाँ पे भी बंदी था, कोई भी नहीं था। मतलब आंखें ऐसे नींद से भरी जा रही है, पर सोते तो इतना पसीना निकल रहा है कि अब तो जानते हैं गर्मी का मौसम। और क्या बताऊँ, रात भर मेरा बेटा भी वैसे ही बिल्कुल नहीं सो पाया, मच्छर काट रहे हैं, पसीना निकल रहा है, मम्मा 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 बोलता रहा। फिर उसे भूख, सुबह मतलब रात भर से सोया नहीं तो भूख तो नॉर्मली लगेगा ही, तो बस उसे एक सुबह मैंने एक ऑमलेट बना के दिया। अभी 5:15 को एक ऑमलेट बना के दिया। वो ऐसे ही बोर हो रहा था, इसीलिए वो गया है साइकिलिंग करने। पता नहीं आज का सुबह ऐसे हुआ है और दिन कैसे गुजरेगा। अभी रात ऐसे ही रात भर बालकनी में बैठे बैठे चला गया, गुजर गया। वो थोड़ा बालकनी में सो रहे, मैं ऐसे सीढ़ियों पे बैठी। मैं ना अभी अपने भाई को ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं उसे क्यों इतना मिस कर रही हूँ, पता चल जाएगा उसे। देखिए हमारे घर का सुबह का टेम्परेचर कितना है। और आपको मैं एक ऑफ़र के बारे में बता दूं, फ्लिपकार्ट में बटरफ्लाई, लावी, हाइड शाइन, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांडेड हैंडबैग्स पर अप टू 60% तक ऑफ है। आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। एलन सोली, लावी और ऐसे बहुत अच्छा लगा मुझे ऑफ़र, तो आप लोग ज़रूर जाके एक बार फ्लिपकार्ट पे चेक कीजिए। हाँ, अप टू 50% है। और वो था सुबह का। अब देखिए शाम के 6:30 बजे घर के अंदर मेरा 38 डिग्री टेम्परेचर है। उन्होंने नूडल्स खाने की फरमाइश की थी तो मैं नूडल्स बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे दो बर्तनों में क्यों बना रही हो, एक में हमारे लिए थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ और दूसरे में अपने मेरे बेटे के लिए बिना स्पाइसी के बना रही हूँ, इसीलिए दो बर्तनों में बना रही हूँ। हमारे घर में ऐसा ही बनता है। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 7 बज गए और मैं अभी शॉप के लिए जा रही हूँ। मैं सुबह से गई भी नहीं और तकरीबन 11:30 बजे हमारे यहाँ करंट आया, तो तब से पूरा नहा धो के काम ख़त्म करके सो गए थे। मैं उठी 5 से 6 बजे तक में मेरा आँख खुला और उठ के सारा घर बिखरा पड़ा था। अभी तो बेड भी मैंने ठीक नहीं किया और कपड़े भी धुल चुके हैं। मैं निकल रही हूँ दौड़ लगाने के बाद आपसे बात करती हूँ। मैंने बस सुबह का नाश्ता बनाया था और लंच आज कुछ बना नहीं है, और उन्होंने नूडल्स खाने का फरमाइश किया तो मैं नूडल्स बना के ले जा रही हूँ। आप लोग तो देख रहे हैं हमारा घर का टेम्परेचर कितना होता है कि अभी भी मेरा पसीने छूट रहे हैं। और इसमें क्या करूँ, मतलब 37-38 डिग्री में कोई बाहर नहीं रह सकता, तो घर पे इतनी गर्मी में कैसे टॉलरेट करेगा। तो मेरे साथ बने रहिए।